उत्तर नागपुर में हुई सभा में संजय राउत ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं नागपुर में शिवसेना कहाँ है। वे देखे दीक्षा भूमि से लेकर रेशिमबाग तक बुद्ध विहार, गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर, हर कहीं शिवसेना है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखे शिवसेना के नेतृत्व में त्रिशक्ति ने तुम्हें घर बिठाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आने वाले 25 वर्ष तक शिवसेना की सर बनेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में बहुमत की सरकार को अधिकार दिया है। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता हाथ से जाने पर इनके पेट में दर्द हो रहा है, एक बार फिर ऑपरेशन करना जरूरी है। हमारे सामने खड़े रहने के औकात नहीं है, अब ये भोंगे की राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ने सभा में विधायक कृष्णा खोपड़े पर भी निशाना लगाया। खंडू जी खोपड़े की औलाद, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज से गद्दारी की थी, बेईमानी की थी, उनके वंशज, उनके औलाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। ऐसे उल्टे खोपड़ी के लोग फिर विधानसभा में चुनकर नहीं जाएंगे, ध्यान रखें। ऐसे उल्टे खोपड़ी के लोग अब हम घर में बिठाएंगे। ये उल्टे खोपड़ी के लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़के दिखाइए। मैं उस उल्टे खोपड़ी को चैलेंज देता हूँ, आप विधानसभा में जाकर दिखाइए। हमारा एक सामान्य शिवसैनिक आपको घर में बिठाएगा, हमारा एक शिवसैनिक आपको पराजित करेगा। यहां से अगला विधायक शिवसैनिक होगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए देखिए ताकत क्या है शिवसेना की, आइए देखिए जिगर क्या है शिवसेना की, हिम्मत क्या है शिवसेना की। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, और संघर्ष हमारा नारा है, समझ गया? जिसको सुनना है वो सुन रहे हैं हमारी भाषा, घर घर में सुन रहे हैं। आज अब यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है किसको भंगार में भेजना है। अभी शुरुआत हुई है, आणि आता इतक सांगतो मी आपल्याला, शेवटी या नागपूरचा पूर्ण कायापालट शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही। मी कालही सांगितलं आणि आजही सांगतोय, नितीन सर, नागपूरचा महापौर पुढला शिवसेनेचा पाहिजे। बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न होतं नागपूरवर भगवा फडकला पाहिजे, संपूर्ण नागपूर आपण भगवं केलं पाहिजे। आणि या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्ये सुद्धा शिवसेना मुंबई प्रमाणे अशी तळपत सळसत राहिली पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावन भूमी आहे, विदर्भाई संतांची भूमी आहे, क्रांतिकारकांची भूमी आहे। नागपुरातून देशाला, महाराष्ट्राला एकापेक्षा एक सरस आणि महत्त्वाचे नेते दिलेले आहेत। त्याच नागपुरात अनेक वर्ष शिवसेनेनं काम केलं पण यश मिळालं नाही, याचं कारण आज नागपुरात सत्तेवर असलेल्या लोकांनी शिवसेनेला फक्त वापरून घेतलं, शिवसेनेचा वापर केला, शिवसेनेनं त्यांना खांद्यावर बसवून विदर्भात, महाराष्ट्रात फिरवलं आणि त्याने आमच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला। आता नाही, आता आम्ही समोरून खुपसू, पाठीमागून नाही, समज लीजिए। तर मित्रांनो और दोस्तों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं जब यहां से निकलूंगा तो उद्धव ठाकरे जी को फोन करके बताऊंगा, आज की डिप्टी सिग्नल की सभा ने आपको आशीर्वाद दिया है, पूरे नागपुर ने आपको आशीर्वाद दिया है।
सभा में हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। विधायक आशीष जायसवाल, दुष्यंत चतुर्वेदी, नितिन तिवारी, मंगेश काशीकर, सुरेश साखरे, प्रमोद मानमोड़े, किशोर कुमेरिया, दीपक कापसे, प्रवीण बर्डे, अंगद हिरोड़े, आशीष हाड़गे, अब्बास अली सहित शिव सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।